आप लोग को भी बोल रहे हैं थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। सर प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो अभी दिन के बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं, कितना बजा है? 8:48, यानी कि नेपाल का हो गया 8:48, यहाँ अपना हो गया 8:30, रखिए ना 8:33। और हम अभी आ चुके हैं, मेरे 3 दादाजी हैं, ठीक है ना, जिसमें कि 2 इंडिया में रहते हैं और 1 नेपाल में। आज से नहीं, लगभग 20-25 साल से, 20-25 साल पहले ही वो इंडिया छोड़ चुके थे और पूरा फैमिली को लेके नेपाल आ चुके थे। तो उन्हीं का ही घर है, ठीक है। तो हम लोग यहीं आए हैं, अब मम्मी भी आ रही है, मम्मी वगैरह भी आ रही है, ठीक है। तो देखिए, इनका एकदम बढ़िया जगह में घर बना हुआ है। तो हम जैसे नीचे चलते हैं तो इनका घर वर दिखा देते हैं, इनको तो पहचानिए रही कौन है। हम तो नमस्कार, वही है सोनू जो वहाँ मेरे साथ वीडियो वगैरह बनाया करते थे, लाइक ही वो चाहे टिकटॉक, हालांकि बैंड हो गया वहाँ, बट वो हमेशा ही मेरे इसमें साथ रहा करता था, ठीक है। तो हम नीचे दिखा रहे हैं जाके, देखिए नेपाल में कैसा घर वर बना के शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो बने रहिए। और ये देखिए, इधर हो गया आपका नीचे का इधर लोकेशन इनका घर का, देख रहे हैं इधर छत हो गया इनका पूरा। उसके बाद इधर देख लीजिए, सोनू वगैरह इधर खड़े हैं, यहाँ देखिए, है ना। और फिर हम आग बने रहिए, आप यहाँ देखिए, अब नीचे हम जा रहे हैं, ठीक ना, अब बने रहिए। इनसाइड इधर देखिए, इधर ये हो गया आपका बाथरूम, ठीक है। इधर बाथरूम हो गया, ये रूम देखिए, इधर किचन, इधर रूम, इधर भी बहुत रूम है। क्या कहाँ कुछ काका कहाँ गए? और यहाँ देखिए दादाजी बैठ के टीवी देख रहे हैं, इस सब देख रहे हैं। नीचे घर का लोकेशन काफी खर्च किए हैं इधर पे अंकल। नेपाल में अभी एक रूम का घर बनाने में आदमी का दम फूल जाता है। 22,000 रुपया में 1,000 ईंटा होता है, 1,000 रुपया में 1 बोरा सीमेंट होता है, छड़ वगैरह का तो बातें छूरी। और इतना अच्छा घर बना लिया, देख रहे हैं बाथरूम वगैरह पे भी टाइल्स ही टाइल्स लगाया हुआ है, तो सोच सकते हैं कितना खर्च हुआ होगा, ठीक है। बने रहिए, आगे दिखाते हैं। और ये देखिए, ये हो गया आपका किचन, देख रहे हैं किचन, दादी यहाँ कुछ कर रही है, देख रहे हैं किचन हो गया आपका। मम्मी लोग आ चुकी है, दीदी मम्मी घर में दिखा रहे हैं, चल देना ले लाइन को, ये घर देखिए कितना गर्दा बनाया है। और ये देखिए रूम, इसमें भी LCD वगैरह लगा के रखे हैं, देखिए ये आंटी वाला रूम है ना, बढ़िया सजाया है, लेकिन अच्छा है। इधर पूजा वगैरह उनके लिए है सब रूम, ठीक है ना। मम्मी लोग भी आ चुकी है, मम्मी लोग भी खाना खाएगी, अब हम लोग भी खा लेते हैं। आओ सुनो, चलिए बैठते हैं खाना खाने के लिए, आपने इस टाइम हम बैठते हैं आपसे देखिए, दिखाते हैं देखिए खाना क्या है। एर के वो हम लोग मम्मी और आयो खाना खाना, यहाँ हेर्नुहोस् हैन, खाना देखे छैन भन्छ, चिया सबै भइसकेछ भन्छ, होइन मम्मीले के भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् होइन, तयार भइरहेछ होइन, हजुरआमाले खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म होइन, होइन होइन मासु पाक्दैछ यी हेर्नुहोस् छैन, यी हेर्नुहोस् मासु पाक्दैछ होइन। और देखिए दादी कितना फास्ट चावल और चिकन बना दिए हैं इलेक्ट्रिक कुकर में, अब हम लोग खाने बैठ रहे हैं, ठीक है, बने रहिए, मजा आने वाला है। देख सकते हैं हम लोग को खाना दे चुकी है दादी, ठीक है, तो हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं। आइए खाइएगा, तो आ जाइए थोड़ा सा, आइए आप लोग को भी बोल रहे हैं थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। आयु छोटा भाई है मेरा, सोनू कुमार का भाई है छोटा, सचिन कुमार,
ये भी कुछ दिन बाद आएगा अपना इंडिया घूमने के लिए, थोड़ा बहुत देखते हैं पटना खटना इसको भी घुमा देते हैं, थोड़ा घूमेगा। इसको हिंदी बोलने नहीं आता उतना है ना, फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेता है। खाना पीना खा लिया और खा के जो है ना अभी आराम थोड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे उधर मार्केट की तरफ मम्मी के साथ, ठीक है? तो बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, मार्केट भी आप लोग को आज दिखा देते हैं, बने रहिए। सकता हम लोग अपने यहाँ से निकल दिए हैं दादी के घर से, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट बाज़ार, ठीक है? तो बने रहिए आप लोग, उधर बाज़ार का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। इधर देखिए ज़्यादातर पानी में इधर बत्तख आदमी ज़्यादा पालते हैं, देख रहे हैं बत्तख बत्तख हंस इधर ये लोग बहुत ज़्यादा रहता है। इधर आगे भी देखिए इधर बत्तख ही बत्तख पड़ा हुआ है, और देखिए इधर यहाँ भी देखिए बत्तख है। आश्चर्य वाला बात है यहाँ देखिए मुर्गी बत्तख के बच्चा को देखिए पाल रहा है, देखिए कितना अजीबो गरीब है न। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम सॉरी काहे बोल रहे हैं, ठीक है? सॉरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बोले थे अभी मार्केट जा रहे हैं, मम्मी हम सिस्टर वगैरह सब मौसी वगैरह जा रहे थे मार्केट, तो हुआ क्या इनसे पूछते हैं, अरे मम्मी कहाँ गया बाबू? जेल। कहाँ गया? जेल। जेल मतलब कहने का मतलब ये लोग कह रहे हैं जेल, कुछ नहीं जेल नहीं, मतलब हुआ क्या कि सोनू रास्ते में किसी से लड़ाई कर लिया, ठीक है? लड़ाई झगड़ा होने के बाद मारपीट वो कर लिया तो उनको थाना बुलाया था पुलिस, तो सोनू और मौसी चली गई थाना, तो थाना जाने के बाद अब मम्मी वगैरह भी उधर निकल गई, दीदी भी, तो हम बच गए यहाँ, ठीक है? तो मम्मी लोग शायद उधर गई और मौसी और क्या कहते हैं सोनू वो थाना में है, तो मतलब गया है शायद वो आ जाएंगे, ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा किया तो ठीक ठीक ठीक। इसलिए हम लोग क्या किए कि बाज़ार नहीं जा पाए, वही मैटर थोड़ा सा हो गया, दिक्कत हो गया, ठीक है? तो मम्मी बोली कि कल चलेंगे मार्केट, ठीक है? तो इसके लिए सॉरी, कल दिखाएंगे मार्केट आप लोग को, ठीक है? तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, लव यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? तो सोनू आता है तो सोनू से पूछते हैं वहाँ क्या सब हुआ, आने ही वाला होगा, ठीक है? तो आप लोग को दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बाद बाय, वहीं तक ब्लॉग रहेगा, ठीक है? बस बने रहिए, सोनू का वेट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हम बोले थे ना कि सोनू आता है थाना से, उसके बाद मिलवाते हैं आप लोग को, ठीक है? क्या सब हुआ ये बताएगा, बताओ। अभी थोड़ा कुछ नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा मारपीट करके गए थे, अब देखते हैं, बताते हैं। आज जेल है, कल बेल है, परसों से वही खेल है, क्योंकि हम सब सुधरने वाला नहीं है, वही बात है, थोड़ा और बिगड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो वही बोले थे सोनू आता तो मिलाते हैं, ठीक है? तो आज का आप लोग यहीं रात है, देख रहे हैं बहुत रात हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, लव यू, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? बाय।